भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान का अखबार पढ़ती है। भारतीय जनता पार्टी वालों को हिंदुस्तान के लोगों पर यकीन रखना चाहिए। खबर गोंडा से है, जहां आप नेता और सांसद संजय सिंह अपनी तिरंगा यात्रा लेकर गोंडा पहुंचे। चुनावी सीजन में मुफ्त बिजली पदयात्रा लेकर पहुंचे आप सांसद ने नगर के चौराहों से होते हुए चौक में यात्रा निकाली। अदम गोंडवी मैदान से गांधी पार्क तक यात्रा में आप कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े के साथ यात्रा निकाली और लोगों को सरकार बनने पर मुफ्त बिजली देने का आश्वासन दिया। यात्रा के पहले आप सांसद संजय सिंह ने प्रेस वार्ता की और कहा कि मुफ्त बिजली यात्रा लेकर 18 मंडल में जाएंगे और आज इसी क्रम में देवीपाटन मंडल में तिरंगा यात्रा है। दिल्ली में अपने मुफ्त योजना को सफल मॉडल बताते हुए आप सांसद ने सरकार बनने पर यूपी में लागू करने का दावा किया। संजय सिंह ने कहा कि योगी सरकार में मनीष गुप्ता अरुण वाल्मीकि की हत्या कराई गई और यूपी में आईपीएस सिपाही दरोगा नेता और नेता का बेटा फरार होते हैं, चोर डाकू को फरार होते सुना था। 17 मुकदमा उत्तर प्रदेश में किस माफिया पे 17 मुकदमा हुआ है? संजय सिंह पे हुआ। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा मेरे ऊपर हुआ, मेरे पार्टी का दफ्तर बंद करा दिया। 57 घंटे तक मुझे पुलिस हिरासत में रखा गया लखीमपुर, जब मैं जा रहा था किसान के परिवारों से मिलने। कैसे आंदोलन किया जाता है बताइए आप। उत्तर प्रदेश में जितने भी भ्रष्टाचार हुए उसका खुलासा करने का काम और साहस आम आदमी पार्टी ने किया, हमने उसका सारे कागजात सामने रखे। कैसे लड़ाई लड़े आप बताइए मुझे। गोंडा का सवाल करना, 96 लाख का घोटाला गोंडा में हुआ है, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में आपके उठाया था। आपके कस्तूरबा का मामला गोंडा का प्रमुखता से मैंने उठाया और उसमें नंबर एक पे मैंने लोकायुक्त में भी शिकायत की है। जितनी भी संस्थाएं हो सकती हैं उन जगहों पे मैंने उसकी शिकायत की है। देखिए कागज मरता नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। देर सवेर ये सारे भ्रष्टाचारी जेल में जाएंगे, जब तक ये सरकार उनको बचा सकती है बचा ले, वरना इन सबको जेल में जाना है। 800 का ऑक्सीमीटर 5000 में खरीदा गया, 1600 का थर्मोमीटर 13000 में खरीदा गया, 12000 का ऑक्सीजन सिलेंडर 55000 में खरीदा गया। यानी कि जब लोग मर रहे थे उस समय उत्तर प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार करने में लगी थी और मैंने कागज सहित प्रमाण सहित दिया कि कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी के नाम पर 18 लाख का वेंटिलेटर 22 लाख में खरीदा गया। मैंने लोकायुक्त से शिकायत की, सरकार को नोटिस हुई। कस्तूरबा में बच्चियों के नाम पर जब कोरोना के समय में विद्यालय बंद थे 9 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में। किसान को फसल का दाम नहीं, नौजवान के हाथ को रोजगार नहीं, व्यापारी को सुरक्षा नहीं, माताओं बहनों के साथ दुष्कर्म और उनको मौत के घाट उतारने की कार्रवाई और साथ ही साथ भ्रष्टाचार में सारे कीर्तिमान तोड़ने का काम ये सरकार कर चुकी है। इसलिए उत्तर प्रदेश में 22 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता महंगाई के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर, कानून व्यवस्था के सवाल पर इस सरकार को हटाने का काम करेगी। हमने 300 यूनिट बिजली फ्री का जो अभियान आप नेता ने निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में सिर्फ घोटाले किए गए हैं और कोरोना काल में यूपी में जमकर घोटाले किए गए। चुनाव लड़ने पर आप नेता ने कहा कि अब तक 170 सीटों पर हमने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और 403 सीटों पर आप अपने प्रत्याशियों को टिकट देगी। संजय सिंह ने कहा कि 50 साल कांग्रेस ने राज किया और 15 साल भाजपा ने राज किया लेकिन कुछ भी नहीं बदला। वहीं सीएम योगी पर संजय सिंह ने निशाना साधा और कहा कि जो लोग राम जन्मभूमि पर चंदा मांग रहे हैं उनको क्या हम माफ कर देंगे और अब भाजपा का चेहरा बेनकाब हो गया है, भाजपा को अपने गृहबान में झांकने की जरूरत है। संजय सिंह ने साफ किया कि अभी किसी पार्टी से गठबंधन का कोई सवाल नहीं है। वहीं पेट्रोल कीमतों पर आप नेता संजय सिंह ने कहा कि दूसरे राज्यों से कम है दिल्ली में डीजल पेट्रोल के दाम और GST के दायरे में पेट्रोलियम को लाने के पक्ष में आम आदमी पार्टी है। भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा पाकिस्तान का अखबार पढ़ती है और चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जाती है। आम आदमी पार्टी भारत पाकिस्तान के पक्ष में है या नहीं पर संजय बोले कि हमने सरकार से मैच रद्द करने की मांग की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद संजय सिंह ने
तिरंगा यात्रा निकाली और रवाना हो गए। लोग हमसे पूछते हैं आपका वोट बैंक क्या है, आपका वोट बैंक क्या है। मेरा कोई वोट बैंक नहीं है, मैं आप सबके सामने इसको स्वीकार कर रहा हूं। न किसी जाति का वोट बैंक है, न किसी धर्म का वोट बैंक है। जिनको अपने बच्चे के लिए अच्छे स्कूल चाहिए वो हमारा वोट बैंक है, जिनको फ्री बिजली चाहिए वो हमारा वोट बैंक है, जिनको मुफ्त में इलाज चाहिए मोहल्ला क्लिनिक चाहिए वो हमारा वोट बैंक है, जिस नौजवान को रोजगार चाहिए वो हमारा वोट बैंक है, जो किसान फसल का दाम चाहता है वो हमारा वोट बैंक है, जो माताएं बहनें महिला सुरक्षा के सवाल पे हमारे साथ आना चाहती हैं वो हमें वोट करेंगी। हमारा कोई जाति धर्म का वोट बैंक नहीं है। 75 साल में उत्तर प्रदेश ने तमाम जातियों के वोट बैंक बना के देख लिए, तमाम धर्मों के वोट बैंक बना के देख लिए, हासिल हमें कुछ नहीं हुआ। इसलिए अगर उत्तर प्रदेश की जनता चाहेगी आम आदमी पार्टी को जिताएगी। जब हम 28 सीटें पाए थे तो आपकी तरह बहुत सारे लोग सवाल करते थे कितनी सीट पाओगे, 2% वोट मिलेगा कि नहीं, 3% वोट मिलेगा कि नहीं। इसका जवाब हमारे पास नहीं है, उत्तर प्रदेश की जनता के पास साथ करते हैं। हम 300 यूनिट बिजली फ्री देने का फैसला एक दिन में हमने नहीं किया, हमने सारे आंकड़े निकाले, घरेलू उपभोक्ताओं के नंबर निकाले। जब 2,63,00,000 लोगों पर 21,000 करोड़ का बजट सामने आया तब हमने ये तय किया कि 5,50,00,000 करोड़ के बजट से ये पैसा निकाला जा सकता है, और तब हमने घोषणा की। और इसलिए हमने दो तरीके की व्यवस्था रखी है। एक, जो हमारे प्रत्याशी होंगे वो अपने स्थानीय स्तर पे घोषणा पत्र जारी करेंगे, दूसरा प्रदेश स्तर पे बड़े मुद्दों को लेकर घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। तो गोंडा की स्थानीय समस्या क्या है, ये हमारे क्षेत्रीय जो